मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम यानी कि अंतरिम बजट पेश किया गया और बजट के बाद हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ इंडियन मर्चेंट चैम्बर के जो प्रेसिडेंट है समीर सोमैया वो मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतरिम बजट पेश किया गया है, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं बजट को बहुत ही अच्छा समझता हूँ। अंतरिम बजट है तो अंतरिम बजट में पिछले 10 सालों ने मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई और अगले 5 साल में क्या करने का इरादा है उसकी घोषणा हुई। साथ ही साथ युवा पीढ़ी हो, गरीब हो, महिलाएं हो या अन्नदाता हो, इन सबको किस तरह से सरकार इनकी किस तरह से गौर करेगी और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास में किस तरह आगे ले जाएगी, उस पर बात हुई। मैं इस बजट में 2-3 बहुत ही अच्छी चीज़ों पर गौर करना चाहूँगा। एक तो उन्होंने जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान पर जो चौथी बात रखी है, जय अनुसंधान, जिसमें 1 लाख करोड़ की पूंजी अलग रखी जाएगी और 50 साल और बिन ब्याज या करीबन बिन ब्याज पे दी जाएगी। इससे हमारी देश की जो बुनियाद है, जो आगे जैसे हम विकसित भारत की सोच रहे हैं 2047, उसके आगे भी अगर सोचना हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, दूरदर्शी योजना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे रोड हो, रेल हो, हवाई अड्डे हो, इस पर जो पिछले 10 साल पे सरकार करती आई है उस पर किस तरह से और बढ़ावा देगी, शायद 11% की बात हुई, उस पर कैसे बढ़ावा होगी, तो ही जो हमारी जो प्राइवेट निजी संस्थाएं हैं उस पर साथ सहयोगी बनेंगे और हमारे देश की जो आज अर्थव्यवस्था 6.5% पे बढ़ रही है वो और भी शायद रफ्तार पे बढ़ सके और हमारे देश में जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और जो विकास, विकसित भारत करना है, वो आगे हो सके। एक दूसरी अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पे जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जो जैविक ट्रांसफॉर्मेशन है, बायो पॉलीमर्स हो, CBG पर जो ब्लेंड की बात की, मैंडेट की बात की, ये सबसे हमारे देश को जो नेट जीरो की कमिटमेंट है, मौसमी जो बदलाव हो रहा है उस पर हमारे देश ने जो संकल्प किए हैं, जो वादे किए हैं, उसको अगर निभाना हो तो ये सब जो उन्होंने रणनीति अपनाई है वो अच्छा रहेगा। दूसरा ये कहा गया है सर कि ब्लू इकोनॉमी पर भी जो है वो काम किया जाएगा। हमारा देश जो है वो समुद्री तटों से घिरा हुआ है, कब एक लंबा जो है वो इतिहास है देश का और हमारे पास एक बहुत लंबा एरिया है समुद्री तटों का, तो क्या आप समझते हैं कि इस एरिया में भी फोकस करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया था? मैं तो सोचता हूँ अगर देश को आगे बढ़ना है तो हर पहलू पर गौर करना पड़ेगा, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो पहाड़ हो या चाहे वो अंतरिक्ष हो। तो सरकार ने इस बजट में ब्लू इकोनॉमी की बात की है तो हर इकोनॉमी पर जोर देना पड़ेगा। तो जैसे कहता हूँ, धरती है, समंदर है, पहाड़ है या अंतरिक्ष है। सर्वाइकल कैंसर को लेकर बड़ी बात कही गई है, ये कहा गया है कि 9 से 14 साल की जो लड़कियां होंगी उनको जो है वो मुफ्त टीका दिया जाएगा। आप क्या मानते हैं सर कि सर्वाइकल कैंसर देश के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और अगर इस तरीके का ऐलान अगर सरकार करती है तो आने वाले दिनों में ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितना जो है वो महत्वपूर्ण साबित होगा? सर, सर्वाइकल कैंसर के पास मेरे पास इतना कोई निजी ज्ञान नहीं है। सरकार ने अगर इसका ऐलान किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। वैक्सीन का प्रभाव आप तो देखते ही हैं, पैंडेमिक जब कोविड का आया हुआ था तो वैक्सीन के बलबूते पर ही हम इससे निकल सके। अगर सर्विकल कैंसर की तकलीफ होगी महिलाओं में और सरकार विज्ञान, जैसे जय विज्ञान की बात की, तो विज्ञान के बल पर सोचती है कि इससे 9 से 14 साल की लड़कियों को देने से उनका अगर स्वास्थ्य बढ़ेगा तो मैं सोचता हूँ कि कोई भी अगर कदम हम लेते हैं जिससे पूरे देश का, महिलाओं का, पुरुषों का स्वास्थ्य बढ़े वो अच्छी बात है। गरीब, महिला, युवा और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको लेकर ये बजट है, ये कहा गया है और उसी कड़ी में ये कहा गया कि मिडिल क्लास लोगों के लिए जो नई आवास योजना लाई जाएगी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या उसके पीछे ये लक्ष्य रखा गया है कि जो किराए के घर में लोग रह रहे हैं उनको अपना घर दिया जाएगा? सर, किसी भी देश को आगे बढ़ना है तो रोटी अन्नदाता, मकान आवास योजना और स्वास्थ्य और विद्या का देना सभी आवश्यक है। तो आवास योजना यानी वो करना है सरकार, इसी को सबको अगर विकसित भारत बनना है तो ये सब करना होगा। आप कुछ ऐसा लगा सर कि
हालांकि ये जो है वो अंतरिम बजट है, जो मेन बजट आएगा वो चुनाव के नतीजों के बाद आएगा, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जो आप चाह रहे थे कि सरकार डिस्कस उनको करना चाहिए था लेकिन अभी वो बचते हुए नजर आए? नहीं, मैं सोचता हूँ कि दोष को बढ़ना तो ये सब जो सरकार ने पूरे देश की बात की वो सही की। हम सोचते हैं कि जिस तरह से सरकार पिछले सालों में सरलीकरण कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो आगे करती रहे वही अच्छा है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने एक दिशा दिखाई है वो दिशा ठीक है और एक तरह से कंटिन्यूटी दर्शाती है। ऑन ए स्केल ऑफ 10 अगर आप इस बजट को रेट करें तो वो कितना रेटिंग सर देना चाहेंगे और क्या कारण रहेगा? मैं 9 देना चाहूंगा, क्योंकि जैसे हमने अभी तक वर्णन किया है, मैं सोचता हूं कि कंटिन्यूटी अच्छी है, देश जोर से बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट भी उन्होंने जो पहले इस साल 5.8 है 5.1 और ग्लाइड पाथ पे 4.5% दो साल में बताती है, अपनी जो अर्थव्यवस्था 6.5% पे बढ़ रही है, अच्छा ही है। जीडीपी का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट आप क्या देख रहे हैं? 6.5% से ऊपर ही होगी। आम लोगों का बजट, सबका बजट, देश का बजट। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसमें भी कटौती की गई है, टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूं तो टैक्स स्लैब में हालांकि कोई बदलाव किया नहीं गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 7 लाख रुपए तक का जो आय होगा उसको उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत है? राहत तो है, तो पहले तो हम कहेंगे राहत है, और अंतरिम बजट है तो अगले साल में जो फुल बजट होगा उसमें देखेंगे क्या करती है सरकार। तो ये इंडियन मर्चेंट चैम्बर के प्रेसिडेंट समीर सोमैया को आप सुन रहे थे। इनका ये कहना है कि सरकार का जो अंतरिम बजट है ये आम लोगों का बजट है और इन्हें उम्मीद है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो जरूर जो है वो फुलफिल किया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई।